आज हम देखेंगे एरे मल्टीप्लायर। बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है और फिर बाय यूजिंग गेट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आज देखेंगे। तो लेट्स कंसीडर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई। लेट अस से एक्स अपना मल्टीप्लिकेंड है और वाई मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर क्या है वो आगे अगले एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा। एक्स एंड वाई ये दो नंबर लिए हैं वो 4 बीट के नंबर है, तो एक्स विल बी एक्स 3, एक्स 2, एक्स 1 एंड एक्स 0। वाई भी सेम रहेगा, वाई भी 4 बीट का नंबर लिया। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे एक साइड में कंसिडर करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक्स वन एक्स ज़ीरो। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय मैक्स में हमने देखा रहेगा जो मल्टीप्लिकेंड रहता है वो ऊपर रहता है और मल्टीप्लायर जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नीचे रहता है। तो राइट मोस्ट में जो रहता है उससे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि y0 से मल्टीप्लाई किया है हर इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप में y1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन x0 y1 x1 y1 x2 y1 और यहाँ पे x3 y1। तो यहाँ पे y1 सिमिलरली x0 y2 x1 y2 x2 y2 x3 y2 x0 y3 x1 y3 x2 y3 x3 y3। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। दिस ये सब ऐड होने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर मिलेंगे, वो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन बीट करेंगे। अभी इनपुट 4 बीट के दो नंबर है, आउटपुट 7 बीट है। तो इसको गेट में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है गेट का बाय यूजिंग डिफरेंट लॉजिक गेट्स कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे तो डॉट है, एंड गेट यूज होंगे। ओके, फिर इसको ऐड करने के लिए एडर यूज होंगे। तो बाय यूजिंग गेट कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो अभी देखेंगे। मैंने पहले से बना के रखा है 4x4 एरे मल्टीप्लायर। इसमें हमें पहले यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया उसमें x0 y0 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 हर इसमें है और ऊपर ये मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई हुआ है y0 से। तो y0 कॉमन है, तो y0 हमने यहाँ पे कॉमन लिया है और x0 x1 x2 x3 ये उससे एंड किया है क्योंकि यहाँ पे डॉटेड है ये चारों, तो यहाँ पे किया है। और यहाँ पे डायरेक्टली हमें यहाँ पे मिल रहा है z0, तो हमने यहाँ पे z0 डायरेक्टली हमें एक लास्ट यूनिट बिट मिल गया हमें। तो नेक्स्ट इसमें x1 y0 और y1 का टर्म आ रहा है, तो y1 के टर्म के लिए वापस हमने एक y1 का इनपुट ले लिया और चार एंड लगा क्योंकि यहाँ पे फोर एंड एंडिंग के लिए हमें चार एंड लगेंगे। तो चार एंड के बाद एडर में एडर क्यों यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें ये दोनों ऐड करना है, ये तीनों ऐड करना है, ये चार ऐड करना है और ये तीन ऐड करना है, दो ऐड करना है वो नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन यहाँ पे हमें z1 के लिए ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो ये और ये दोनों हमने ऐड किया है तो z1 मिला। सिमिलरली हमें y3 के लिए, क्योंकि यहाँ पे y2 कॉमन है, यहाँ पे y2 के लिए हमने y2 लिया, वापस एडर लिए। लेकिन यहाँ पे 3 एंड प्लस हो रहे हैं एंड गेट्स, तो यहाँ पे 1 2 3 और z0 मिला। सिमिलरली z3 के लिए 1 2 3 4 है, तो 4 एंड ऐड होने के बाद हमें z3 मिलेगा और फिर डिक्रीज होएंगे 4 के बाद 3 2 1। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 एंड 1। फाइनली हमें z0 to z6 ये सब आउटपुट मिल गए बाय यूजिंग दिस एरे मल्टीप्लायर, 4x4 एरे मल्टीप्लायर। फिर से एक बार रिकैप देखते हैं। एक्स और वाई दो इनपुट 4 बीट,
एक्स मल्टीप्लिकेंड वाई मल्टीप्लायर, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, फोर फोर टर्म्स आए, ये डायरेक्टली जेड जीरो, ये दोनों प्लस करेंगे एड्रेस से तो जेड वन, ये तीन करेंगे तो जेड टू, ये चार करेंगे जेड थ्री, वापस तीन, वापस दो, वापस एक, जेड सिक्स टू जेड जीरो, ये सेवन बीट आउटपुट मिला। फोर बीट एक इनपुट है, सेकेंड बी इनपुट फोर बीट, ये दो फोर बीट के इनपुट मल्टीप्लाई करने के बाद सेवन बीट ऑफ आउटपुट मिला। तो इसमें एंड गेट यूज़ किया, जो कॉमन है कॉमन इनपुट दिया, और फर्स्ट स्टार्टिंग में एक ही है तो डायरेक्टली जेड जीरो, फिर दो तीन चार तीन दो एक वापस डिक्रीज हो जाते हैं, तो टू थ्री ऐड हुए जेड टू मिला, फोर ऐड होने के बाद जेड थ्री, थ्री ऐड जेड फोर, वैसे जेड फाइव और जेड सिक्स और लास्ट जेड सेवन। और लास्ट में यहाँ पे एडर कनेक्टेड टू नेक्स्ट एडर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैरी बिट जनरेट होगा तो वो प्रोपोगेट करेगा टू नेक्स्ट एडर, फिर वो ऐड करके नेक्स्ट एडर, फिर वापस कोई एडर प्रोपोगेट होगा तो जेड सेवन, तो जेड सेवन इज द कैरी, कैरी जनरेट होगा तो वो प्रोपोगेट करेगा एडर, तो जेड सेवन इज द कैरी विच इज जनरेटेड। सो ये था अपना 4x4 एरे मल्टीप्लायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हमें आपको एरे मल्टीप्लायर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।